मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम ENV पढ़ेंगे। ENV में यूनिट नंबर 5 वंडरफुल वर्ड्स ऑफ बोलू। जो बोलू है उसकी अलग सी दुनिया है, उसका यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। रीड फ्रेंड्स कम ऑन दिस इज अ बोलू। तो क्या है ये, कौन है? बोलू है। बोलू हैज गोन फॉर अ वॉक बाय अ पॉन्ड टुडे। जो भोलू था वो आज जो तालाब है पौन वहां पर घूमने के लिए जा रहा है। लेट अस टू गो अलोंग विथ हिम फॉर अ वॉक एंड गेट टू नो समथिंग नाउ। यानी कि तो चलो अब हम लोग भी भोलू के साथ घूमने के लिए जाते हैं और कुछ नया नया जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। भोलू, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज दिस। ओ मोंटू फिश प्लीज कम एंड प्ले विथ मी। जो भोलू है वो क्या कह रहा है, अरे कितना अच्छा फिश है, कितनी अच्छी सुंदर फिश है ना। तो ओ मोंटू ने क्या कहा, फिश। ओ मोंटू से कह रहा है, ओ मोंटू क्या कह रहा है कि क्या तू मेरे साथ खेलने के लिए आएगा। फिश, नो आई कैन नॉट कम आउट देयर, यू कम into the water to play with me। यानी कि जो फिश है उसने क्या कहा, नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, तू मेरे पास पानी में अंदर आ जा तो हम लोग खेल सकते हैं। बोलू, आई कैन नॉट कम इट इन टू वॉटर। यानी कि बोलू ने क्या कहा, नहीं मैं पानी के अंदर नहीं आ सकता। फिश, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वॉटर। वैसे ही ओ फिश ने भी कहा कि मैं भी पानी के बाहर नहीं आ सकती हूँ। ठीक है, बोलू वाई, क्यों नहीं आ सकती हो बाहर। फिश, आई कैन नॉट वाट ऑन लैंड। यानी कि फिश ने क्या कहा कि मैं पानी के बाहर नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, मैं श्वास नहीं ले सकती हूँ यहाँ पर। बोलू, लाइक फिश आई कैन नॉट रिस्पेयर इन वॉटर। यानी कि बोलू ने क्या कहा कि जैसे ही तुम बाहर नहीं रह सकती हो तो वैसे ही मैं पानी के अंदर नहीं रह सकता हूँ। फिश, बोलू ऑन हैज इट ऑन प्लीज ऑफ लिविंग। यानी कि बोलू मछली ने क्या कहा कि बोलू सबका रहने का स्थान अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ही मैं पानी के अंदर रह सकती हूँ बाहर नहीं रह सकती हूँ, वैसे ही तुम पानी के बाहर रह सकते हो और पानी के अंदर तुम नहीं रह सकते हो, तो ऐसे ही सबका अलग अलग होता है। चलो आगे देखते हैं। बोलू, ओ चिंची स्क्विरल आर यू फाइन ओवर देर, वुड यू प्लीज कम डाउन टू प्ले विथ मी। बोलू अब आगे जाता है तो क्या होता है, ओ स्क्विरल होती है ना वो, यानी वहां पर जाता है और उसको कहता है कि तू कैसी हो, अच्छी हो ना, क्या तू मेरे साथ खेलने के लिए आ सकती हो। स्क्विरल, यस करेंटली यानी कि मैं ऑफकोर्स यहाँ पर तुम्हारे पास खेलने के लिए आऊंगी। बोलू, कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव इन द लैंड। यानी कि बोलू ने क्या कहा कि क्या तुम पेड़ के नीचे जमीन पर आ सकती हो। स्विरल, श्योर वाई नॉट, आई कैन लाइव ऑन लैंड, आई मेक नेस्ट ऑन ट्री। स्विरल ने क्या कहा कि हाँ क्यों नहीं आ सकती हूँ, मैं झाड़ पर ही, मैं अपने ट्री पर ही अपना घर बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं भी नीचे आ सकती हूँ। बोलू, वाओ यू आर वेरी गुड, सी मीन टू फिश टेल दैट इट कम लिव इन वॉटर ओनली। तो बोलू ने क्या कहा कि बहुत ही अच्छा कि तुम मेरे साथ खेलने के लिए तो आ सकती हो। वो पहली मिंटू मछली थी वो तो कह रही थी कि मैं तो पानी में ही रह सकती हूँ, तो वैसा स्क्विरल से कहता है, स्क्विरल इट्स ट्रू अबाउट फिश, सी कैन ओनली लिव इन वॉटर अस देयर वॉटर इज द होम फॉर ईट। तो स्क्विरल ने क्या कहा कि उस मछली की बात सच्ची है, उसका घर पानी ही है और वो पानी में ही रह सकती है। बोलू, सो कैन यू नॉट लिव इन वॉटर। बोलू ने क्या कहा कि क्या तुम भी पानी में रह सकती हो। स्क्विरल, नो बोलू आई कैन नॉट लिव इन वॉटर, वी लिव ऑन अ लैंड सो वी कैन नॉट बर्थ इन वॉटर, हिंस कैन नॉट लाइव इन
वॉटर, यानी कि स्क्विरल ने क्या कहा कि नहीं मैं पानी में नहीं रह सकती हूँ, हम लोग यहाँ जमीन पर ही रह सकते हैं, ठीक है, पानी के अंदर हम लोग नहीं रह सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। भोलू वो काइट एंड मीट डगमग टोटल्स, आगे जाता है तो भोलू किससे मिलता है रास्ते में, वो टर्टल्स होता है ना, टोटल्स कछुआ, उससे मिलता है, ठीक है। भोलू आहा डगमग वेर आर यू गोइंग, भोलू ने क्या कहा अरे डगमग तू कहाँ जा रहा है, और टोटल्स इट्स टू हॉट धार, भोलू आई सेल गो इन टू द पाउंड एंड टेक रेस्ट देर, इट वॉल गिव मी रिलाइफ फ्रॉम द हेट, यानी कि वो कछुओं ने क्या कहा कि भोलू यहाँ पर तो बहुत सारी गर्मी है इसलिए मैं पॉन्ड में यानी तालाब में जाती हूँ आराम करने के लिए, वहाँ पर मुझे गर्मी से अच्छी राहत मिलती है। भोलू यू वॉक ऑनलाइन देन हाउ कैन यू लाइव इन वॉटर, यानी कि भोलू ने क्या कहा कि क्यों तू तो यहाँ पर जमीन पर भी न चल सकती है तो फिर पानी में कैसे रह सकती हो, ठीक है। तो ऐसा भोलू उस टोटोर से कहता है। चलो आगे देखते हैं। टर्टोइज वे वाई कैन आई नॉट लाइव इन वॉटर, और वो कछुआ का कहता है क्यों क्यों मैं पानी में नहीं रह सकती हूँ। भोलू चिंची टेल्स दैट दोज हू लाइव ऑन लैंड कैन नॉट लाइव इन वॉटर, यानी कि भोलू ने क्या कहा कि वो पहली चींची थी उसने बोला कि जमीन पर रहते वो पानी में नहीं रह सकते इसलिए मैंने बोला। टॉर्टोइज चींची इज करेक्ट बट देर आर सम एक्सप्रेशन एनिमल्स लाइक मी विच कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर, वो कछुओं ने क्या कहा कि उसकी बात सच्ची है। और सब लोग सब एनिमल्स होते हैं ना उसका अलग अलग होता है, कोई जमीन पर रह सकता है कोई पानी में रह सकता है और दोनों की तरह रह सकता है, जैसे मैं हूँ जमीन पर भी रह सकता हूँ और पानी में भी रह सकता हूँ। बोलू ओ इट्स रियली अमेजिंग, बोलू ने क्या कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम पानी में भी रह सकती हो बाहर भी रह सकते हो, तो बोलू को बहुत ही अच्छा लगता है। चलो आगे देखते हैं। विल बोलू वॉज वॉकिंग अहेड वोडिंग वी मीट कीटू प्योगिन ऑन द वे, वो आगे जाता है और कहाँ आगे आगे चलना जाता है, और किट्टू होता है ना वो प्योगिन यानी क्या होता है वो उसे मिलता है, तो पियोगिन हे आर यू फाइन बोलू वेर आर यू गोइंग, वो पियोगिन ने क्या कहा कि बोलू तू कैसा है तू कहाँ जा रहा है। बोलू हाउ मे आई से आई आई एम कंफ्यूज, बोलू ने क्या कहा कि मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ ये क्या हो रहा है। पियोगिन व्हाट इज द कंफ्यूजन, वो पियोगिन ने कहा कि क्या हुआ क्या बात है। बोलू सी द फिश सेज दैट सी कैन लाइव इन वॉटर ओनली लाइक इज अ टेल इज अ स्क्विरल दैट सी कैन लाइव ओनली ऑन लैंड नॉट इन वॉटर, बट डगमा टोटल्स क्लेम्स दैट इन इट कैन लाइव बोथ इन द वॉटर एंड लैंड, यानी बोलू ने क्या कहा कि वैसे ही पहली मछली थी उसने कहा कि मैं पानी में रह सकती हूँ, और वो स्क्विरल थी उसने कहा कि मैं जमीन पर रह सकती हूँ पानी में नहीं रह सकती हूँ, तो पहला टोटल था कछुआ उसने कहा कि मैं जमीन पर भी रह सकती हूँ और पानी में भी रह सकती हूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ। पियोगिन देर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज विथ, भोलू सम वॉक ऑन द लैंड सम फ्लाई इन द स्काई एंड सम वेक एंड स्विम अस व्हेल, तो पियोगिन ने क्या कहा कि अरे भोलू ऐसा क्यों हुआ क्यों कंफ्यूज हो, तो ऐसे कई सारे होते हैं कि कोई जमीन पर भी रह
रह सकते हो और आकाश में भी उड़ सकते हो, फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। जैसे कछुआ वो पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। ठीक है, और हम लोग भी देखो, हम लोग भी ऊपर आकाश में भी उड़ते हो, नीचे जमीन पर भी रह सकते हो। तो उपयोगी ने उस भोलू को ऐसा इस तरह समझाया है, भोलू वेयर डू यू लाइव, डू यू वॉक ऑन स्विम। वो भोलू ने क्या कहा, वो उससे पूछता है कि क्यों तू स्विमिंग करती है या फिर चलती है। वो उसको पूछता है इसी तरह, योगिन सी डियर आई एम अ फ्लाइंग बर्ड्स एंड कैम ऑन ग्राउंड द पीक, आई यूजली लाइव इन द नेस्ट विच आई मेक इन द हाउस ऑफ वेल, हाउस इन ओवर वेल। यानी कि क्या कहा कि मैं देखो क्या है कि मैं तो कहीं भी मेरे घर होते हैं वहाँ पर हाउस होता है, वहाँ पर मैं अपना नेस्ट बनाकर भी रह सकता हूँ और मैं ऊंचे आकाश में भी उड़ सकता हूँ। और मुझे क्या चाहिए, दाना होता है ना दाना, वो जमीन पर गिरे हो तो उसको भी मैं ले आता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह वो पूरा बात करता है। चलो आगे देखते हैं, अब क्या आता है, एलिफेंट। बोलू, ओ बोलू वेयर डू यू गो। वो क्या होता है, एलिफेंट है, उसने बोला कि बोलू तू कहाँ पर जाता है। बोलू, हाथी दाता इट्स गुड दैट यू हैव मीट, आई एम अ वेरी मच कंफ्यूज। बोलू ने क्या कहा कि ओ हाथी दादा कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए हो, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। एलिफेंट्स व्हाट हैपन, उस एलिफेंट्स ने क्या कहा, क्यों क्या हुआ। बोलू, दादा द फिश लाइव इन द वॉटर, द स्क्विरल लाइव ऑन द लैंड एंड द टर्टल्स लाइव इन द लैंड एज वेल एज इन द वॉटर, हाउ वंडरफुल इज दिस। उस बोलू ने क्या कहा कि वो मछली है वो पानी में रहती है, उस स्क्विरल वो जमीन पर भी रह सकती है, और पहला कछुआ वो भी जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, तो ऐसा क्यों है। वो कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह उसको एलिफेंट से बात कर रहा है। एलिफेंट, व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन द दिस, एवरीवन हैज हैबिट्स अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्शन। यानी उस हाथी ने क्या कहा कि इसमें क्या है, तो सबको अलग अलग होता है कि कोई जमीन पर रह सकता है, पानी में रह सकता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू देयर इंडिपेंडेंस। तो आगे देखते हैं भोलू ने, इज इट सो, उस भोलू ने क्या कहा कि ऐसा क्यों है। एलिफेंट, यस द वन विच लाई ऑन लैंड इन द ट्रेज देयर लाइव इन द वॉटर इज अ 25 फीस इन स्काई इज अ वेन एंड लाइव ऑन लैंड एंड इन वॉटर्स आई वेल इन इनडिफाइंड एंड इज अम्पेयर्ड बीन। यानी कि उस हाथी दादा ने क्या कहा कि हाँ वो जमीन पर भी रह सकते हैं। ठीक है, वो इसी तरह कई सारे होते हैं। ठीक है, कोई पानी में भी रह सकते हैं, कोई उस आकाश में भी उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह उस हाथी दादा ने अच्छी तरह से उसको समझाता है। ठीक है, बोलू ओ इज इट, बोलू ने क्या कहा, ओ ऐसा है।